Hello everyone. In this video, we will practice some good questions, some more questions of income and expenditure account. कैसे बनाते हैं हम income and expenditure account जब हमें receipts and payment account दिया है और additional information दे रखी हैं. एक चीज़ आपको बता दूँ मैं यहाँ पर, जब हम income and expenditure account बनाते हैं उस time पर हमारे हमें subscriptions के क्या treatment है हमें सब पता होना चाहिए. आप पिछली video subscriptions की देख के रखना. जो मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसकी पुरानी वीडियोस देख के रखना, क्योंकि दीज विल बी इंक्लूडेड, दीज विल बी यूज वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, तो देखें हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाना है और कोई इलस्ट्रेशन नंबर 28 है. ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. अब हमें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं क्या क्या दी है. सब्सक्रिप्शन दे रखी हैं और हमारा ईयर है 31 मार्च 2021. एरियर्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021 की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021. इस साल हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली आने वाले साल के लिए. ठीक है, क्लोजिंग एडवांस, तो दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन की. इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड दे रखा है, आने वाले साल का हमने पहले ही प्रीमियम पे कर दिया. उसके बाद हमें दिया हुआ है जो स्टेशनरी है उससे रिलेटेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टेशनरी ये रहा 1 अप्रैल 2020. यहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं, ऊपर डेट ज़रूर देखना, ये ऊपर पहले क्लोजिंग डेट दी है फिर ओपनिंग डेट दी हुई है. तो ओपनिंग स्टॉक है 5000, क्लोजिंग स्टॉक है 30000, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 26000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं स्टेशनरी के 40000. ओपनिंग एडवांस पिछले साल का एडवांस, ये देखिए एडवांस फॉर स्टेशनरी, ये क्लोजिंग एडवांस है 2020 का, क्लोजिंग एडवांस 7000, एडवांस स्टेशनरी पिछले साल से एडवांस लेकर आए, ओपनिंग एडवांस 5000. तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो ज़रूर देखना. तो वो जो हमारी नॉलेज है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में यूज़ हो रही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे हम, सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लिया हमने अपना, ऊपर हमने अपना अकाउंटेंट्स क्लब था, क्लब का नाम दिया हुआ है अकाउंटेंट्स क्लब. तो जब भी क्लब का नाम दिया हो तो ऊपर ज़रूर लिखिएगा अकाउंटेंट्स क्लब. देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखी हेडिंग, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. ट्राई प्रेफर टू राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन कैपिटल लेटर्स, वो अपने आप ही हेडिंग नज़र आती है फिर. डेबिट एंड देन क्रेडिट, एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड, इनकम्स क्रेडिट साइड, अमाउंट अमाउंट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं. कैश इन हैंड हमें रिसिप्ट साइड दिया, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस, ये हमारे 1 अप्रैल 2020 को कितना ओपनिंग कैश था, कितना बैंक बैलेंस था, ये बैलेंस शीट में जाएगा. अभी हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा कि एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कितना कैश बैलेंस था, कितना बैंक बैलेंस था, इसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे. तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसको. सब्सक्रिप्शंस दी हैं इसके बाद हमें, सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस देखिए, सब्सक्रिप्शंस दे रखी हैं हमें 15,24,000. इसको इनकम साइड लिखना है. सब्सक्रिप्शंस रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दो, क्लोजिंग एडवांस को माइनस कर दो, क्योंकि जो क्लोजिंग एडवांस है वो इस साल का नहीं है, आने वाले साल का, वो माइनस कर दीजिए. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है इस साल के हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिली उसको प्लस कर दीजिए. देखिए यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस, कितना पैसा मिला उसके अंदर, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग हमें नहीं मिला वो प्लस कर दीजिए, जो इस साल हमने एडवांस पे कर दिया आने वाले साल के लिए वो माइनस कर दीजिए. इनकम में सब्सक्रिप्शंस हमने लिख दी. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, लेट मी चेक, वी हैव डन विद द सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट दिया है हमें डोनेशंस, डोनेशंस जनरल डोनेशंस हैं, इट्स नॉट स्पेसिफाइड किसी पर्पज़ के लिए मिल रही हैं, तो इसको इनकम साइड हमने लिख दिया बाय डोनेशंस, डोनेशंस. नेक्स्ट हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं क्या यहाँ पर, कि हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट्स थी या फिर हमने इन्वेस्टमेंट्स कितनी खरीदी, खरीदने के बारे में बोला है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट्स खरीदी लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट नहीं दिया. तो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करा था पुरानी वीडियो में कि हम किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया, कब खरीदी वो नहीं दिया. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 18,000 है, वो हम लिख देंगे इनकम साइड. एंट्रेंस फीस इनकम साइड,
इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक इनकम साइड, बैंक से इतना इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स इनकम साइड, ओल्ड न्यूज़पेपर्स जो हम बेचते हैं वो इनकम साइड। देखिए वी हैव ऑलरेडी रिटन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। नाउ कम टू द पेमेंट साइड, सैलरीज रिवेन्यू एक्सपेंसेस। सैलरीज के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सैलरीज एज इट इज लिख दिया। आगे दिया स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 89,700 पेमेंट। हमें परचेजेस नहीं पता स्टेशनरी, परचेजेस पता होता तो सिंपली क्या करते, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये है कि हमने स्टेशनरी के लिए कितना पैसा पे किया। तो ऐसे सिचुएशन में जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, एडवांस दिया हुआ, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर दिया, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस दिया है, क्रेडिटर्स अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। देखिए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, ओपनिंग क्रेडिटर्स 26,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 40,000। यहाँ देखिए क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे 26,000, क्रेडिट साइड लिखे क्रेडिटर अकाउंट में, क्लोजिंग क्रेडिटर्स से 40,000, क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखे टू टू क्रेडिटर्स टू बैलेंस सीडी। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली हमारा क्रेडिटर अकाउंट नहीं होता, सप्लायर्स अकाउंट होता है। तो कुछ इन सप्लायर्स को समटाइम्स हम कुछ एडवांस भी देते हैं, तो जो ओपनिंग एडवांस दिया है वो डेबिट साइड लिखेगा टू बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग एडवांस है वो बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग एडवांस को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है जी, ओपनिंग एडवांस को डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग एडवांस को क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। अब जो हम इनको पेमेंट कर रहे थे स्टेशनरी के लिए, वो हमें रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी हुई है। देखिए रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है कि स्टेशनरी के लिए हम कितना पैसा पे कर रहे थे, 89,700। तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कि हमने, क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कि हमने कितना पैसा पे किया है स्टेशनरी के लिए, 89,700। अब हम, हमारे पास पांच आइटम्स आ गए, ये इन सब का टोटल करेंगे 1,34,700। इस 1,34,700 में से यहाँ दो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये दो चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग एडवांस, इन दोनों को माइनस किया। 1,34,700 में से 26,000 एंड 7,000 को माइनस किया, 1,01,700 आ गया। ये है हमने कितनी स्टेशनरी परचेज करी, परचेज करी, कितनी परचेज करी निकली है, 1,01,700। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में ओपनिंग्स 1,01,700 हमारी परचेज हुई है, 1,01,700 परचेज आई है, इसमें जो ओपनिंग स्टॉक है उसको प्लस कर दो, ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। ओपनिंग स्टॉक हमारा सॉरी 5,000 था, यहाँ पे ये मिस्टेक ज़्यादातर होती है। ठीक है, डेट से रिलेटेड ओपनिंग स्टॉक 5,000 था, ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर दीजिए एंड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। परचेजेस निकल गया था, परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए एंड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ये जो स्टेशनरी कंज्यूम निकला 76,700, इसको हमने एक्सपेंडिचर साइड लिख देना है स्टेशनरी कंज्यूम के नाम से, टू स्टेशनरी कंज्यूम 76,700। नाउ नेक्स्ट मिसलेनियस, अब देखो आगे क्या दिया हुआ है हमें, मिसलेनियस एक्सपेंस, बिलियर्ड टेबल खरीदा। बिलियर्ड टेबल तो बेटा आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा क्योंकि आपकी एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स हैं एसेट्स हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे ये क्योंकि इस साल खरीदे हैं आने वाले साल के लिए, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड, फर्नीचर खरीदा एसेट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 27,000, इसमें से जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आने वाले साल के लिए हमने पहले ही प्रीमियम पे कर दिया है। तो 27,000 हमने लिखा टू इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें से प्रीपेड को माइनस किया, 24,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग कैश बैलेंसेज एंड बैंक बैलेंसेज, इसे हम कहाँ लिखेंगे, अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड।
क्योंकि हमारी एसेट्स हैं, इससे हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स है लिखे जाइए कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन डन है ऑलमोस्ट। अब हमने कंपेयर करना है अपने एक्सपेंसेस को इनकम के साथ। इनकम का टोटल किया, इनकम का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इनकम का टोटल 26,10,000 आ रहा है। एक्सपेंसेस का टोटल कम आ रहा है 26,10,000 से, तो एक्सपेंस इनकम के टोटल में से एक्सपेंसेस का टोटल जब माइनस किया तो 19,39,300 बन रहा है। तो ये हमारा सरप्लस है जिसे हमने यहाँ लिख दिया सरप्लस, टू सरप्लस, ठीक है जी। आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू एवरी वन। नाउ वी विल डू वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, जहाँ पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ में बैलेंस शीट करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं।